हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 1 सितंबर और आज है अनंत चौदस। अनंत चौदस के दिन बहुत सारी लेडीज़ हमारे यहाँ पर क्या रखती हैं, फेस्टिवल्स रखती हैं। ये व्रत जो होता है, इसमें सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है, ठीक है। तो इस व्रत में मोस्टली हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, मीन्स विष्णु भगवान का जो अवतार है सत्यनारायण भगवान, उनकी हम पूजा करते हैं। तो मैंने भी यह व्रत रखा है और मैं भी इसकी पूजा पाठ आज विधि विधान के साथ करूँगी। मैं ये व्रत अब से नहीं, मैं बहुत छोटी थी मैं तब से ये व्रत रखती आ रही हूँ। मैं 12th क्लास में थी तब से व्रत रखती आ रही हूँ। मुझे हो गए हैं 10 साल के नियरेस्ट हो गया है, ठीक है। और हमारे यहाँ ये व्रत मोस्टली सभी लेडीज़ रखती हैं, तो मेरी मम्मी, मेरी भाभी और मोस्टली सभी रखती हैं। भाभी तो शायद नहीं रखती हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो दूर रहती हैं तो भूल गई हूँ। और मोस्टली यहाँ पर सभी रखते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ किस तरह से इस दिन आज विधि विधान के साथ करती हूँ। और प्रसाद मैं यहाँ बना चुकी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे कथा करनी होती है और इवनिंग में हम इनका भोग बनाते हैं पूरा। तो मॉर्निंग में जो कथा होगी उसमें सिर्फ हम प्रसाद बनाते हैं कसार का, उसके साथ में केले का फल होता है। और कसार में हम 5 चीज़ें मिलाते हैं, जैसे मैंने बनाया कसार को, मतलब आटे को भून लिया है, उसमें घी मिक्स किया है और फिर बूरा मिक्स करना है। उसके बाद में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे कोई भी 2, जिससे पूरी टोटल 5 चीज़ें हो जाएँ। तो आप लोग 7 चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 5 चीज़ों का बनाती हूँ। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे कथा करेंगे भगवान जी के आगे, पुष्प चढ़ा के, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आइए, आज हम पूजा करते हैं। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को फॉलो करें, मतलब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मुझे कुछ नहीं पता जो देख के आपने ऐसा बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धारण कर उसके पास का आदर से पूछा, हे विप्र नित्य रूपी वह प्रति पर क्यों भूलता है, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब कुछ सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो आगत कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछे तो बल देने वाले हैं। कुर्सी देकर ये खाले प्रसाद जब मांग दे जरा प्रसाद से मनुष्य सब भूतों से मुक्त हो जाता है। ये चप्पल भी पीछे। तो गाइस, दिस इज इवनिंग टाइम और चांद भी निकल चुके हैं और भोग हमारे किचन में तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग करेंगे पूजा और उसके बाद हम खोलेंगे फास्ट। अद्भुत छवि राधे प्रभु, अद्भुत छवि राधे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट बहे करी कारण विज। तो गाइस, फाइनली पूजा कंप्लीट हो गई है और अब हम खोलने जा रहे हैं फास्ट। और फास्ट के लिए हमने जो बनाया आज बनाई है अरवी पूरी और हलवा भोग के लिए।
तो ये सब भगवान को ही भोग लगाया है। और इसमें एक चीज़ और बनती है, लोई, आटे की लोई। तो आप 11 अपनी मर्जी से 11 7 तो इतनी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो फाइनली व्रत कंप्लीट होता है। मैं जल दे के आ गई हूँ और व्रत खोलना बाकी है। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। थैंक यू गाइज़। और मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।